माता तारा रानी की वो कथा जिसके बिना जागरण भी अधूरा है। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ उदास रहते। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में जाकर उन्हें दो बेटियां होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको न्योता दिया और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का अवतार है। जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, या भगवती देवी की भक्त होंगी। इतना सब कहकर ब्राह्मणों ने लड़की का नाम तारा रखा। और कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी का जन्म हुआ। ज्योतिष शास्त्रियों ने उसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया, ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में ही जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटी राजा इंद्र की पूर्व जन्म में अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमा था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार से जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वह कुछ खाना मत। रुकमा बाजार फल लेने के लिए गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में आकर कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म करने वाली तुम्हें छिपकली की योनि प्राप्त होने की श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि साधु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ आए। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। उसने अपने घमंड के चलते शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधी अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह पीटा। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। घमंडी शिष्य अब कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पापों के कारण उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में गाय को चमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सर्प डाल दिया, जो कि अत्यंत विषैला था। किसी को इस बात की कोई जानकारी ना थी। ये सब होते हुए केवल तारा से श्राप पाकर छिपकली बनी रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि उसे खाकर सारे लोग मारे जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब खरा कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सर्प दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली ने तो अपनी जान गवाकर सबकी जान बचाई, वो जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के कारण भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया, सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली
तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में जन्म ली है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद से उनकी शादी हुई। इतनी सब बातें होने के बाद पंडितों ने राजा स्पष्ट को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात को राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना तो पाप है। फिर ज्योतिषियों ने बताया कि एक संदूक में सोना चांदी लगवा कर उसके अंदर लकड़ी लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष शास्त्रों की सुनी बात को माना और ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे ना थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला पोसा और नाम रखा रुक्को। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की बहू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद के दरबार में साफ सफाई करने का काम करती। कुछ दिनों बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उसकी जगह रुक्को वहाँ काम करने जाने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तो पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो कमा लो माँ की पूंजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो के एक बेटे के लिए प्रार्थना करने लगी और कहती हैं, अगर उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तो वह अपने घर में वैष्णो मैया की पूजा और जागरण करेंगी। मैं वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं, उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना ही भूल जाती हैं। ऐसा होते होते 5 साल बीत गया। फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें समस्या के बारे में बताती हैं। तब तारामती से पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आया, उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण किया था लेकिन उसे याद ना रहा। रुक्को काफ़ी पछताई और मन ही मन माँ से बच्चे को ठीक होने के बाद घर में जागरण करवाने की बात कही। अगले दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर ब्राह्मण कहा, तुम यही 5 रुपया दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन भंगिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर ही जागरण करवा दीजिए। मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा, अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती हैं और तारामती को सारी बात बताती हैं। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती हैं तो उनके बीच की बातों को सेना का अधिकारी सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद को जाकर सारी बातें विस्तार से बताता है। राजा के मन में बहुत हुआ कि रानी की नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाने की इच्छा होगी, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकती हैं। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आवे और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ
वैष्णो देवी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज को नींद आ जावे ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा नींद में चले जाते हैं। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। रानी को खोजते खोजते वो रुमाल और कंगन पाते हैं। रानी को चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुँचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म हो जाता है। सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती हैं और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करेंगी यानी नहीं खाएंगी तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली, वह प्रसाद राजा के लिए है, अब मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में हरिश्चंद उन्हें रोक कर पूछते हैं, तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा और अनेक फूल और कच्चा चावल, सुपारी नजर आ दिखती हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं और राजा हरिश्चान चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद को और हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोलती हैं, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताक्ष की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुन राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके बाद राजा ने अपने पुत्र की बलि देते हुए बलि के बाद माँ शेर पर सवार होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा कर उनसे गलती के लिए माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने राजा को खुश होने का आशीर्वाद दी, गायब हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्त्री के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद, तारा रानी और रुक्मान तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को चले गए। इस कहानी में हमें ज्ञान होता है कि श्रेष्ठ कर्म का फल हमेशा मिलता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा भोगना ही पड़ता है। कहते हैं, इस कथा के बिना तारा रानी की कथा यानी जागरण की कथा अधूरी मानी जाती है। अतः भक्तगणों, जिस कथा के बिना जागरण अधूरा माना जाता है, उस कथा के सुनने से बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोलो माता रानी की जय। जय।